अब हम चर्चा करते हैं अंत्येष्टि संस्कार। आपको पता ही है कि 16 संस्कारों का अपना अपना महत्व है। इसमें से बहुत सारे संस्कारों के नाम बहुत लोगों ने नहीं सुने, और जिन्होंने सुने हैं तो उनके संस्कार हुए नहीं हैं। अब जिनको करना है तो वो ये संस्कार, अब उम्र चली गई, जात कर्म संस्कार तो जन्म के समय होता है, अब वो किया नहीं, अब तो चला गया, अब ये बड़े होने के बाद थोड़ी वो संस्कार हो पाएगा। नामकरण संस्कार का समय चला गया, अब दोबारा नहीं हो सकता। चूड़ाकर्म संस्कार का समय चला गया, दोबारा नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत से संस्कार नहीं हुए तो अपने आप को वो न समझे कि अरे यार सब चला गया, अब नहीं हो पाएगा, हम बड़े अभागी रहे, हम बड़े दुर्भागी रहे, हमारे माता पिता ने वो संस्कार करवाया नहीं, उनको कोसने लगे। ऐसा आप न करें, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब हमें पता चला है ना, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा न हो इसका ध्यान रखें, तो वो हमसे भी ज़्यादा होनहार हो जाएंगे, हमसे भी ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, हमसे भी ज़्यादा बुद्धि क्षमता में आगे होंगे। ऐसे बच्चे हम इन संस्कारों के माध्यम से तैयार करें। तो मैं बात कर रहा था ये 15 संस्कार तक तो आ गए। अब ये 15 संस्कार विवाह के बाद, मान लो हमारा विवाह 20-22 साल की उम्र में हुआ, 30 साल की उम्र में हुआ, उसका आगे का पूर्ण जीवन हम जिस साथी के साथ बिताने वाले, पति हो तो पत्नी के साथ, पत्नी हो तो पति के साथ, कभी ऐसा भी हो सकता है पति से पहले पत्नी का स्वर्गवास हो जाए, या ये भी हो सकता है पत्नी से पहले पति चला जाए। मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है ना, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनान क्षणभंगुर है, तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। ऐसे कई ये मानव जीवन की क्षणभंगुरता को प्रदर्शित करने वाले श्लोक भी है, दोहे भी आपने सबने सुने होंगे। ये श्वास कब अंदर की अंदर रह जाए और बाहर निकले ही नहीं, बाहर सांस जो निकल गई, क्या पता ऐसा समय आए कि वो फिर हम अंदर ले ही नहीं पाए। वो क्षण आपके और मेरे जीवन में कभी भी किसी भी समय आ सकता है। तो ये अंत्येष्टि संस्कार वही है। ये 15 संस्कार तो लगभग अपने उम्र लगभग 20-22 साल की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र तक लगभग ये संस्कार सबके हो ही जाते हैं, 15 संस्कार। लेकिन ये अंत्येष्टि संस्कार कब होगा इसका कोई समय निश्चित नहीं है। जब तक आपकी सांसें चल रही है, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, तब तक चलेगा। कोई बीमारी आ गई, कोई महामारी से ग्रसित हो गए, तो ये कब शरीर चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि इतने गहन अध्ययन करते थे, इतने वैज्ञानिक थे, इतने उन्नत थे, कि उन्होंने केवल जिस लोक में रहते, इस मृत्यु लोक में, वो ही नहीं, मृत्यु लोक का तो कण-कण उनको पता था, लेकिन उन्होंने जीव मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है, उस विषय पर भी उनका गहन अध्ययन था। और छोटी से छोटी बात को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया, अध्ययन किया, और फिर ये देखा कि मानव शरीर जो है, शरीर तो हमें मिल गया, लेकिन शरीर जब नहीं था हमारे पास तब हम कहाँ थे, हम कहीं से तो आए, और अब ये शरीर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो शरीर नाशवान है, आत्मा हमारी अजर अमर है, और ये आत्मा कहीं ना कहीं वासना से ग्रसित होकर, वासना का प्रतिबिंब मन है जो अन्न आदि से पंचकोशों से उत्पन्न होता है, तो ये मन वासनात्मक रूप से हावी हो जाता है, और फिर वो जीव शिव में से एक जीव तैयार होता है, और वो जीव फिर अच्छे बुरे कर्म करके उसके फल भी भुगतता है। तो आया कहाँ से और फिर ये जाएगा कहाँ, इस विषय पर गहन अध्ययन अगर किसी भी धर्म शास्त्रों में है तो वो केवल 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 हमारे सनातनीय हिंदू शास्त्रों में है। उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। 16वां संस्कार होता है अंतिम संस्कार। पंच तत्वों से बना शरीर पंच तत्वों में अग्नि के माध्यम से विलीन कर देना। ये शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना हुआ है। एक महात्मा थे, एक संत थे, तो उनको अकेले एकांत में गंगा किनारे रहते थे और हमारा हरिद्वार आना जाना रहता था। तो मैं हर वर्ष उनको देखता था कि वो एक ही स्थान पे, चाहे वहाँ कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंड हो,
कितनी भी बारिश हो, गंगा जी में बाढ़ आ जाए, तो वो किनारे से थोड़ा ऊपर आ जाते थे और फिर वहीं निवास करते थे। पानी जैसे उतरता था फिर वो एक बड़ी सी शिला थी गंगा जी के किनारे, और वो वहीं पर ही अपना आसन वगैरह बिछा के, एक दंड कमंडल आदि रख के, और बिल्कुल दिगंबर अवस्था में कभी कभी लोग मर्यादा से कौपिन धारण कर लेते थे या टाट ओढ़ लेते थे। तो मैंने उनको कहा, बाबा जी कब तक यहाँ रहोगे, बहुत साल रह लिए गंगा माँ की गोद में, अब आइए, और भी बहुत कुछ है, आपको मैं घुमाता हूँ, मुंबई चलिए, इधर अन्य शहरों में चलिए, हम आश्रम हमारा वहाँ है वहाँ चलिए, गौशाला है हमारी वहाँ चरण रखिए, वहाँ पधारिए। तो बाबा कहते हैं क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे हम, कितना घूमेंगे, जहाँ भी जाएंगे पंचमहाभूत ही तो दिखेंगे, बस आकृति अलग रहेगी लेकिन है तो सब पंचमहाभूत। जब पंचमहाभूतों को ही देखना है तो यहाँ क्या कमी है, यहाँ भी तो वही है, हम नहीं आते कहीं। तो कितनी ऊंची दृष्टि होगी वो महात्मा की, कि उनको पता है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ केवल पंचमहाभूत ही दिखने वाले, आकृति अलग होगी, कहीं सुंदरता ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं खतरा बहुत होगा, पहाड़ी की चोटी पर ऊपर चले जाओ, ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि कब गिरे पता नहीं, ऐसी ऐसी गहरी नदियां हैं कि एक बार गोता लगा लो और कहीं उलझ जाओ तो बाहर ही नहीं निकले, तो कहीं खतरा भी है, कहाँ बहुत अच्छा भी है, कहाँ अनुकूल है, कहाँ प्रतिकूल है। तो ये सब कुछ इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में आप जहाँ कहीं भी चले जाओगे वहाँ पंच महाभूतों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने कहा ये शरीर हमें पंच महाभूतों के द्वारा मिला है, तो इस शरीर से प्राण निकल जाए उसके बाद ये संपूर्ण शरीर पंचमहाभूतों में कैसे विलीन कर देना, तो उसके लिए हमारे यहाँ अग्नि संस्कार बताया गया। वैसे हमारी अंत्येष्टि चार प्रकार से होती है, और वो चार प्रकार ये है कि सबसे पहला अग्निदाह जो हम करते ही है, दूसरा भूमिगत समाधि दे देना, जमीन में गड्ढा करके फिर उसमें शरीर को मिट्टी से ढक देना, ये भूमिगत समाधि। तीसरा बताया गया हमारे यहाँ वायुदाह, और चौथा बताया गया जल प्रवाह। हमारे यहाँ प्रथा भी ये रही, कई संत महात्मा आज भी उनका शरीर गंगा जी में आदि नदियों में बहा दिया जाता है उनकी स्वेच्छा से, वो मृत्यु से पहले ही कह देते हैं कि हम तो सन्यासी हैं, हमने हमारा संपूर्ण जीवन मानव वो के लिए, जीव मात्र के लिए, सेवा के लिए दे रखा है, तो अंतिम समय में भी हमारा जो शरीर है वो नदी में पानी में डाल दिया जाए ताकि जलचर जीव उसका भक्षण करके अंतिम समय में ये शरीर भी उनकी सेवा में उपयुक्त हो जाए, तो जल समाधि हमारे यहाँ दी जाती। और ये तीसरा वायुदाह, आप कहोगे वायुदाह कहाँ कैसे होता है, वो हमारे देश में नहीं होता है वायुदाह, लेकिन ये प्रथा हमारे यहाँ किसी काल में थी, इन प्रथाओं का उपयोग सन्यासी महात्मा ही करते थे, अब बहुत कम हो गया है, लेकिन विदेशों में ये प्रथा आज भी है कई देशों में, एक बड़े से ऊंचे पहाड़ी पर, टेकरी पर, खुले मैदान में वो शरीर को ऐसे ही छोड़ के आ जाते थे और फिर चील पंछी कौवे जंगली जानवर आदि उनको खाते थे, वो आज भी कई देशों में इस प्रकार से भी दाह अंत्येष्टि होती है। तो खैर हम अब आते हैं उस विषय पर कि हमारे यहाँ एक उन्नत अंत्येष्टि का संस्कार है जो विदेशों में कहीं नहीं है, उनके यहाँ तो केवल गड्ढा किया गाड़ के आ गए और कई लोग प्रेयर करते हैं अपने अपने जिनको वो मानते हैं उन इष्टों की, और थोड़ी मिट्टी डाल देंगे, कोई कपड़ा बांध लेगा सिर पे मिट्टी डाल देंगे, कई लोग लकड़ी का बक्सा बना के उसमें सुला देते हैं लिटा कर और फिर वो बक्सा छोड़ देते हैं, फिर मिट्टी डाल देते हैं, अपने अपने तरीके हैं, लेकिन उनमें कोई किसी प्रकार की वैज्ञानिकता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ वैज्ञानिकता है। ये मैं बात आपको अभी बता रहा हूँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, शायद आप में से किसी ने ये बातें सुनी भी नहीं होगी और पता भी नहीं होगा, लेकिन आप सबको ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने, आप शेयर करते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बात सुन सके, आपने अभी तक सुना होगा कि कोई मर गया और उसकी अंत्येष्टि हो गई, ब्राह्मण आए और कुछ उन्होंने करवाया, मंत्रोच्चार किया, उन्होंने जो क्रिया बताई वो की और फिर वो चले गए, हम भी चले गए, हम अपने काम में आ गए, थोड़े दिन आंसू बहा लिए, थोड़े दिन दुख मना लिया, हो गया। लेकिन
ये आज जो आप सुनोगे वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि ये मानव शरीर जहाँ से आया है वहाँ वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि जहाँ से वो आया है वो प्रारब्ध जो कुछ भी काट कर वहाँ से जिस शरीर में आया है उस शरीर में रहकर उसने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए उसका फल, क्योंकि पहले के लोग तो शास्त्र पढ़ते थे तो उनको पता था कि क्या बुरा क्या अच्छा, तो वो बुरे कर्म नहीं करते थे, सत्कर्म करते थे और पुण्य बढ़ाकर वो अच्छे लोगों को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन आजकल शास्त्रों के अभाव में जीव को ये नहीं पता है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, ये सब हमारे शास्त्रों में बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। तो जो नहीं सोच पाते अच्छा, जो नहीं कर पाते अच्छा, और जाने अनजाने में भी अगर गलती हो गई है तो उसका मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है, उस विषय पर गहन अध्ययन किया और उसकी दुर्गति न हो जाए, इसलिए ये अंत्येष्टि संस्कार है कि जीवन में कितने भी उसने बुरे काम किए हैं। अब मान लो किसी के पिताजी के बड़े बुरे कर्म रहे, उसने भ्रष्टाचार से ही धन कमाया है, लोगों को लूटा ही लूटा है, लोगों का खून चूसा है, अनगिनत अत्याचार उन्होंने समाज पर किए हैं। अब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको तो नरक मिलना पक्का। लेकिन हमारे यहाँ ये पद्धति ऋषियों के द्वारा बताई गई कि इन इन संस्कारों का अगर पालन करते, इन इन क्रियाओं का अगर आप अंत्येष्टि के बाद 10 दिन में जो दश क्रिया विधि आदि होती है उसमें अगर आपने कर लिया तो उसके पापों की संख्या कम हो जाएगी। जहाँ यमराज जी उसे 10 डंडे मारने वाले होंगे वहाँ 2-4 डंडों में ही उसका वो पाप कट जाएगा, या ये 2-4 डंडे का ही उसका पाप हो तो वो 1-8 डंडे में पूरा हो जाएगा। बहुत कम समय नरक में रहना पड़ेगा और आगे की अन्य अच्छी योनियाँ उसको प्राप्त हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऋषि मुनियों ने ढूंढी, उन्होंने बताई, और जो उन्होंने बताई थोड़ा बहुत गुरु कृपा से जो हमने समझा, जो हमने शास्त्र अध्ययन किया, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, शेयर करते जाइए। अब आपको मैं शुरुआत से बता दूं, पहले के समय में ये होता था कि जैसे ही कोई मरणासन्न व्यक्ति होता था उसके लक्षणों से पता चल जाता था कि ये 6 महीने में इसकी मृत्यु होगी, 3 महीने में मृत्यु होगी, 1 महीने में मृत्यु होगी, 15 दिन में मृत्यु होगी, 24 घंटे में मृत्यु हो जाएगी। इतना सटीक अनुमान हमारे यहाँ पहले लगा लेते थे और उसके कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई मरणासन्न अवस्था में है और काफ़ी दिनों से बीमार है तो आप देखना, गौर से देखोगे तो आँखें उसकी है ना झूठी आँखें हो जाएगी। झूठी आँखों का उदाहरण कैसे दूँ, जैसे कोई चित्र है ऐसे, अभी आप मुझे देख रहे हो तो हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन मरणासन्न व्यक्ति जो अब 24 घंटे में या 3 दिन में या 8 दिन में अब धीरे धीरे उसके प्राण निकल जाएंगे, उस व्यक्ति की आंखें झूठी हो जाएगी, आपके साथ वो आई कांटेक्ट नहीं कर सकेगा। ये लक्षण है। ये कान जो होते हैं ये कान बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। अब जो लोग उनके साथ रहते होंगे वो संबंधी उसके परिवार के लोग समझते हैं कि कान कैसे थे और अब एकदम छोटे हो गए, तो समझ लेना चाहिए कि 3 महीने में इसकी मृत्यु होने वाली। तो ऐसे कुछ कुछ लक्षण होते थे, हमको तारे दिखाई दे तो भी, गरुड़ पुराण में तो पूरा विस्तार से वर्णन है लक्षणों का। वो खैर मैं कभी उस विषय पर, गरुड़ पुराण पर जब बोलूँगा तब मैं इसका पूरी जानकारी दूंगा, अभी केवल संकेत मैं दे रहा हूँ। तो उस समय जैसे ही पता चले कि ये मरणासन्न है तो उस समय पूर्व के समय में ऐसे मरणासन्न जीव को गाय के गोबर का लेपन करके और वहाँ पर एक कपड़ा बिछाकर या चटाई बिछाकर या कुश का आसन बिछाकर उसे वहाँ लेटा देते थे, दीपक जला के रखते थे और उनके हाथों से लवण, तिल, चावल, 7 प्रकार के अन्न और गुड़ आदि दान करते थे, उनका हाथ लगवा कर दान करवा दिया जाता था जिससे उनके प्राण आसानी से निकल सके। अब जिनके प्राण निकल गए उनका क्या करते हैं, बोले जिनके प्राण निकल गए उस व्यक्ति को सबसे पहले तो स्नान कराया जाता है, स्वच्छ स्नान कराकर उसे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं,
अगर कोई सती स्त्री मरती है, माने सधवा स्त्री मरती है, पति जीवित है और पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो उसको 16 श्रृंगार उसके करते हैं, उसको सजा कर और फिर वहाँ करते। कोई पति की वो हो जाती है तो उसको अच्छे वस्त्र आदि धारण करवा कर सजा कर, मतलब अच्छा बना कर उसको, क्योंकि वो किसी अन्य लोक में अब जा रहा है, तो ऐसे भी मान्यता है कि उसको अच्छे से सजा दिया जाए, उसको स्नान वगैरह करवा के स्वच्छ कपड़ा उस पर सफ़ेद ढक कर उसके मृत्यु के स्थान पर सबसे पहले भूदेव उसके मृतक का नाम लेकर और उसके गोत्र के नाम के उच्चारण के साथ शव नाम का पिंड उसके मृतक के स्थान पर अर्पित करता है। ये पिंड की बहुत महिमा है भाइयों, ध्यान से सुनना। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस व्यक्ति के मृत्योपरांत उसके सगे या उसका बेटा 16 श्राद्ध नहीं करता, एक साल के 16 श्राद्ध नहीं करता, उस मृतक को जिसके निमित्त ये 16 श्राद्ध नहीं होते, उस मृतक को पितृलोक की प्राप्ति नहीं होती, वो अन्य योनियों में भटकता है, बहुत प्रकार के कष्ट पाता है, सुनते जाइएगा बस। तो ये 12 महीने के 12 श्राद्ध ही होते हैं, लेकिन यहाँ 16 श्राद्ध बताए गए, तो वो 4 श्राद्ध जो एक्स्ट्रा है, 12, 13, 14, 15, 16, 4 4 जो पिंड है, वो 4 पिंड उसकी मृत्यु के दिन से जो दशक्रिया विधि होती है, ये 4 दिनों में ये 4 पिंडदान हो जाते हैं, पिंड अर्पित हो जाते हैं। वो कौन से, उनके नाम क्या है और वो कब कब दिए जाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो जहां उसकी मृत्यु हुई वहां पहला पिंड रखा गया जिसको शव नामक पिंड कहा गया, फिर अर्थी पर उसे ले जाते हैं, उस पर गोपी चंदन आदि का लेप लगाते हैं, उसकी सदगति के लिए गंगा जी की मिट्टी आदि का लेप करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि उसके मुख में 5 प्रकार के रत्न रखे जाते हैं, रत्नों के अभाव में आप तुलसी का पत्र रखे, रुद्राक्ष छाती पे रखे और गंगा जल आदि मुख में डाले, ये भी प्रथा बताई गई है। उसके बाद जब मृतक को घर से बाहर निकाला जाता है, अर्थी पर लिटाया जाता है, उस समय घर के मुख्य दरवाजे पर पांथ नामक पिंड अर्पित किया जाता है, उसके विषय में श्लोक भी आया है, मृतस्थाने शवो नाम तेन नामना प्रदीयते तेन भूमिर भवेत तुष्टा तदधिष्ठा त्रुदेवता द्वार देशे भवेत पांथ स्तेन नामना प्रदीयते तेन दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्त्वदि देवता। कि जहां उस मृतक की मृत्यु हुई है उस स्थान पर शव नाम का पिंड दान करने से उस भूमि के देवता तुष्ट तृप्त होते हैं और वो अधिष्ठात्रु देवता उस भूमि के उसे आशीर्वाद देते हैं और उसकी उस भूमि उस परिवार उस घर की आसक्ति को मिटाने में मदद रूप बनते हैं। फिर दरवाजे पर पिंड दिया जाता है पांथ नाम का पिंड, ये देने से तुष्यन्ति गृह स्वास्वदि माने घर का जो वास्तु देवता होता है वो प्रसन्न होता है घर पे इसके नाम का पिंड दान करने से। फिर अर्थी उठाने से पहले अंतिम दर्शन होता है, अंतिम दर्शन करे और याद रखे कि कोई भी व्यक्ति मर जाए, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मृतक मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके परिजन रोए नहीं, रोना वर्जित है। हमारे यहाँ तो पहले ही रोए नहीं तो लोग कहे देखो कितना है कि रोता भी नहीं है और कैसे नाम रखते हैं, और हमारा कुछ राज परिवारों में कुछ घरानों में तो रुदालियाँ रखी जाती थी, बकायदा उनको रोने के लिए बुलाया जाता था कि तुम रो ये मर गया। लेकिन हमारा शास्त्र हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो घर के परिवारजन रोए नहीं, क्योंकि कम से कम 13 दिन तो न रोए, क्योंकि 13वें दिन की प्रथम सूर्य की किरण के साथ माने सूर्योदय तक रोने का विधान नहीं है, क्योंकि तब तक जीव हमारे ही घर के आसपास होता है, हमारे आसपास रहता है और वो हमें देख पाता है, हमें सुन पाता है,
लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे सुन नहीं पाते। और जो दुख के आंसू हम रोते हैं, उस मृतक के परिवार के लोग रोते हैं, बाहर से आके लोग रोते हैं, तो वो दुख के कड़वे आंसू उस मृतात्मा को पीने पड़ते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो रोना बिल्कुल नहीं वर्जित है, हमारे यहाँ रोने की मनाई की गई। तो क्या करे? बोले रोए नहीं तो क्या करे, दुख तो होगा। बोले दुख होगा लेकिन आंसू न बहाए, जोर जोर से रुदन न करे, नहीं तो वो पहले से ही शरीर छूटा है, दुखी है, क्योंकि अच्छे काम तो किए नहीं होंगे इसलिए दुखी है। तो वो दुखी है और ऊपर से आप रोओगे तो कड़वे आंसू जबरदस्ती यमदूत उसे पिलाते, तो वो नहीं रोना चाहिए, ऐसा श्री गरुड़ पुराण कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण कह रहा है, तो हमें रोना नहीं है। आगे तो क्या करें? बोले शव बाहर जब अर्थी पर लिटाया जाए तो सब अंतिम दर्शन करे और सब भगवान से प्रार्थना करे कि अब इसको मुक्ति मिले, इसकी आगे की यात्रा आरंभ हो, इसकी आसक्ति इस घर परिवार और ये संबंधियों से टूट जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करे और फिर अर्थी उठाए और उसे ले जाए स्मशान। मोक्ष धाम में ले जाने से पहले उसे बाहर एक चबूतरे पर रखा जाता है, उस चबूतरे पर रखा जाता है, जब कंधे पर अर्थी लेकर जाते हैं और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये उच्चारित किया जाता है। तो उस समय कहा गया कि अगर वो राम नाम सत्य है बेटा उच्चारित करता है और बेटा प्रथम पुत्र कंधा देता है और आगे वो अग्यारी लेकर चलते हैं, उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। तो वो जो आगे अग्नि और वो धूप लेकर चलते हैं वो, और बेटा जो कंधे पर उनको अर्थी उठाता है, उस विषय में शास्त्र ने कहा है, धृत्वा स्कंधे स्वपितरम यह स्मशानाय गच्छति सोश्वमेघ फलम पुत्रो लभते च पदे पदे। माने अपने पिता को कंधे पर धारण करके चलने वाला पुत्र अपने प्रत्येक कदम में, प्रत्येक पद में अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। तो ये पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो माता पिता की अंतिम यात्रा में कंधा दे, उससे उस पुत्र को एक एक कदम चलने पर एक एक अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए हमारे यहाँ आपने देखा होगा जब पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही स्तर झगड़े का ऊंचा होता है, तब पिता कहता है कि तू दूर हो जा, मेरे घर से निकल जा, और मैं मर भी जाऊं तो मेरी अर्थी को कंधा मत देना। तो ये कंधा मत देना ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि पिता गुस्से में कहता था कि वो अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मैं तुझे नहीं लेने दूंगा, कोई और ले जाए लेकिन मैं तुझे नहीं, ये पुण्य प्राप्त नहीं करने दूंगा, क्योंकि इस पुण्य के प्राप्ति से जिसके जिसके भी पास पुण्य होता है उसको धन संपत्ति, अन्न धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती, इसलिए पुण्यवान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पिता कहता है कि जा, तुझे पुण्य ही नहीं मिलेगा तो तू तरसेगा अन्न के लिए, तरसेगा धन के लिए, दरिद्र जीवन जिएगा। तो इस प्रकार का हमारे यहाँ कहा जाता था। खैर, पुत्रों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो अवश्य करना चाहिए। फिर वो कंधे पर ले गए बाहर, एक स्मशान से पहले शव को विश्राम करवाया जाता है, तो वहाँ पर भी उस चबूतरे पर भूत नामक पिंड अर्पित किया जाता है और वहाँ यम गाथा या यम सुक्त, यम गाथा का पाठ किया जाता है, यम गाथा का पाठ गायन आदि होता है और यम सुक्त का जप होता है वहाँ पर, ये करना चाहिए। आजकल कोई करता नहीं है, वहाँ यमराज जी को याद कर ले यही बड़ी बात होती है, लेकिन विधि तो ये कहती है कि उस चबूतरे पर वहाँ पर यम गाथा का पाठ या यम सुक्त का पाठ होना चाहिए। उस विषय में कहा भी गया, यम गाथा गायन्तो यम सुक्तम च जपंत इत्येकै, वहाँ पर ये करना चाहिए। और पहले के समय में बात अलग थी, अभी तो स्मशान तैयार मिलते हैं, वहाँ वेदी बनाई हुई तैयार मिल जाती है और कोई अब विधि विधान ज़्यादा करते नहीं है, सीधा लाए लकड़ी बिछाई रखा और आग लगा दी, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ इसकी विधि है। ये विधि से अगर आप करते हो तो मृतक को देहाशक्ति मिटाने में मदद मिलती है,
परिवार और अन्य जमीन जायदाद में जो मोह रह गया है, परिवार के सदस्यों में जो मोह रह गया है, वो मोह मिटने में उसको मदद मिलती है। तो ये विधि विधान करना चाहिए। पूर्व के लोग मानते थे कि अग्नि पवित्र होती है और पवित्र अग्नि में पवित्र वस्तु होम की जाए, तो इसलिए उस शव को नहला धुला कर उस पर गंगा जल आदि छिड़क कर पवित्र अग्नि को प्रकट किया जाता था। वेदिका बनाकर शुद्ध गंगा जल से उस वेदी को स्वच्छ किया जाता था। विधि विधान से अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। पुष्प अक्षत आदि से अग्निदेव की पूजा की जाती थी और अग्निदेव से प्रार्थना की जाती थी कि हे अग्निदेव, इस मृत देह को अपने में समा लीजिए और इसको सदगति प्रदान कीजिए। और मुर्दा जलाए उससे पहले वहाँ हवन होता था उस अग्नि पर, और उसके मंत्र थे। आइए मैं मंत्र सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन मंत्रों से होम होता था। ओम लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्य स्वाहा मेदोभ्य स्वाहा मांसेभ्य स्वाहा मांसेभ्य स्वाहा स्त्रावेभ्य स्वाहा स्त्रावेभ्य स्वाहा स्वभ्य स्वाहा स्वभ्य स्वाहा मज्जभ्य स्वाहा मज्जभ्य स्वाहा रेतसे स्वाहा रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा पायवे स्वाहा। प्रत्येक मंत्र दो दो बार बोलकर और फिर वहाँ आहुति दी जाती थी, तब अग्निदेव कहीं वहाँ प्रकट होकर उस शव को ग्रहण करते। तो छोटा सा एक यज्ञ हो गया उसी वेदी में, और उसके बाद फिर वहाँ चंदन पलाश पीपल आम की लकड़ी सजाकर वहाँ चिता सजाई जाती थी, फिर शव को चिता पर लिटाया जाता था। और फिर वहाँ पर दो पिंड और रखे जाते थे, एक तो चिता पर पिंड रखा जाता था जिसका नाम साधक पिंड, और दूसरा शव के हाथ में एक पिंड रखा जाता जिसका नाम प्रेत पिंड। ये हाथ में रख दिए, उसके बाद और लकड़ियाँ उस पर भर रख दी, चिता अच्छे से वो चारों तरफ से लकड़ी से शव आच्छादित हो गया। उसके बाद पुत्र कंधे पर घड़ा लेकर पानी का मटकी लेकर और उसमें छेद कर देते थे, छिद्र युक्त मटकी जल भरी हुई कुंभी, और उसको लेकर कहीं एक परिक्रमा करते हैं, कहीं सात करते हैं, कहीं तीन करते हैं, कहीं चार करते हैं, और वो फिर घड़ा पीछे ही फोड़ देना होता है। और उसके बाद घट स्फोट, उसको बोलते हैं घट स्फोट, माने घट फूट गया तो हमारा अब सबसे संबंध विच्छेद हो गया, अब तुम आगे की यात्रा करो, आगे की योनियों में जाओ, ये घर गृहस्थी दुकान परिवार इससे अब तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा, ये बताया जाता है। हमारे यहाँ जो तलाक की व्यवस्था है ना, ये तलाक की व्यवस्था हमारी चिता पर लेटे हुए होती है। कभी भी जीते जी पति पत्नी में तलाक नहीं हो सकता, संबंध विच्छेद नहीं हो सकता कि देखो हमने तो उससे संबंध ही तोड़ दिया, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे ये नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, बातचीत बंद करना कर सकते हो, वो आपके अधिकार में है, आप उससे मिलो नहीं ये आपके अधिकार में है, लेकिन आपका संबंध टूट जाए ये आपके अधिकार में नहीं है। ये संबंध तो केवल और केवल वो चिता की वो घट स्फोट जब होता है चिता पर लेटे लेटे, वो भी आप नहीं करते, आपका पुत्र, या पुत्र मर जाए तो पिता या फिर चाचा, परिवार का कोई बड़ा सदस्य करता है। तो वो तलाक तो तब भी आप नहीं दे सकते, आपके परिवार का दे सकता है आपको। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ, हमारे यहाँ संबंध विच्छेद कभी होता ही नहीं था। हमारे यहाँ सम गच्छत ध्वम सम वदत ध्वम संजो मनासी जानता, हम इस विशाल भावना के द्वारा चलने वाले हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। तो खैर वहाँ वो संबंध टूटा, उसके बाद फिर पुत्र के द्वारा पिता को मुखाग्नि दी जाती है, फिर वो अग्नि दी जाती है और उसमें शव जल जाता है। उसके बाद तीन दिन बाद अस्थि संचार करने के लिए जाते हैं, फिर दशक्रिया विधि होती है, दशक्रिया विधि में भी पिंडदान होता है। ऐसे करके लगभग समझ लो ये 10 दिन का, कहीं कहीं 17 दिन का सूतक मानते हैं, कहीं 10 दिन का मानते हैं, कहीं 13 दिन का मानते हैं, अपने अपने परंपरा के अनुसार मानना चाहिए, लेकिन कम से कम 13 दिन का सूतक तो होना ही चाहिए।
क्योंकि 13 दिन तक वो जीवात्मा हमारे ही घर में घूमता है। और हमेशा आप याद रखना, दश क्रिया विधि 10वें दिन ही हो। गरुड़ पुराण में कहा है, अंतरदशा यस्यास्थि गंगा तो ये निमज्जति न तस्य पुनरावृत्तिर ब्रह्मलोकात कदाचन। कि मृत्यु के 10 दिन के अंदर अंदर अगर अस्थिया गंगा जल में समर्पित कर दी जाए तो उसको पुनः मानव जन्म लेना नहीं पड़ता, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण का श्लोक है। तो दश क्रिया विधि कई लोग तीसरे दिन कर लेते हैं, अरे लोगों को टाइम नहीं है, आगे त्यौहार आने वाला है, 5वें दिन ही निपटा लो, तीसरे दिन ही निपटा लो दश क्रिया विधि, अरे क्या जाएगा, जो 10 दिन बाद करना है वो तीसरे दिन कर लो, 5वें दिन कर लो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। कभी मैं उदाहरण देता हूँ, आपके गर्भ में, आपके घर में कोई बालक जन्म लेने वाला अभी गर्भ में है, तीसरा महीना हो गया, और आप कहोगे कि अब बालक तो तीसरे महीने का तो हो ही गया, निकाल लो बाहर, अरे 5वें महीने का हो ही गया, निकाल लो बाहर, अरे 7वें महीने का गर्भ है, अब तो पूर्ण रूप से विकसित हो गया, निकाल लो बाहर, ऐसा करते हो क्या आप कभी? नहीं, आप कहोगे स्वामी जी वो अधूरा है, वो कैसे हम निकाले, अभी वो पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। वो पूर्ण विकसित जब होगा 9वें महीने और कुछ दिन बाद, तो अपने आप ही माता का अपान वायु उसको बाहर धकेलने की कोशिश करेगा, प्रसूति होगी और उसका जन्म हो जाएगा। तो भैया हमारा जन्म होता है उसमें भी 9 महीने और कुछ दिन लग जाते हैं, तो ये शरीर छूटने के बाद जीवात्मा को भी एक शरीर मिलता है, उसको यातना शरीर कहा गया, जिसका जन्म जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। तो वो यातना शरीर बनने में उसमें 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पांव, पेट और संपूर्ण शरीर यातना शरीर बनने में भी उसको 9 दिन का समय लगता है। 9 दिन में वो संपूर्ण शरीर बनता है, अंग सारे बन जाते हैं, और फिर 10वें दिन ये दश क्रिया विधि के माध्यम से वो जीव उस यातना शरीर में प्रवेश करता है, और 11वें दिन फिर उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। तो 11वें और 12वें दिन आपने देखा होगा दश क्रिया विधि के बाद, 11वें और 12वें दिन भूदेव कहते हैं कि जाओ स्मशान में, जो मृतक को जो पसंद था वो चीज़ें बनाकर माँ स्मशान में रख कर आओ, जहाँ उनकी चिता जली थी। और दूसरा गाय के निमित्त निकाल लेते हैं, उनको खिलाते हैं या कौवे को खिलाते हैं, 12वें दिन भी यही क्रिया करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि 11वें और 12वें दिन उसको भूख प्यास सताने लगती है, तो हमारे द्वारा दिया जाता है। और 13वें दिन में सूर्य की पहली किरण के साथ उस जीव का दक्षिण दिशा की ओर प्रयाण शुरू हो जाता है। उसके बाद वो मृतक यमपुरी 1 वर्ष में पहुंचता है, और फिर हर महीने उसे हमारे यहाँ भोग दिया जाता है। आपको पता है जिस तिथि पर मृत्यु हुई है उस मृतक के नाम का, वो 1 साल तक हम उस तिथि को मानते हैं, और फिर वर्ष का श्राद्ध करते हैं, वर्ष श्राद्ध जिसको कहते हैं, बरसी जिसको कहते हैं, तो वो 1 साल तक करने का विधान है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पृथ्वी मृत्युलोक से जो नरक है वो 86,000 योजन दूर बताया गया दक्षिण दिशा में। तो वहाँ काल गणना अलग होती है, जैसे हमारा 1 साल है तो वहाँ उनका 1 ही दिन हुआ, उनके 24 घंटे ही हुए, तो वो हर घंटे पर वो जीव रुकता है, तो उनका 1 घंटा हमारा 1 महीना हुआ। समझ में आ रही बात? उनका 1 घंटा हमारा 1 महीना हुआ, तो वो जिस जगह रुकते हैं, जिस समय रुकते हैं, वो समय उस मृतक का धरती पर तिथि होती है, उसकी पुण्य तिथि होती है, मृत्यु तिथि होती है। तो उस दिन आपने देखा होगा भूदेव कहते हैं कि हाथ से छांव करो, पहली उंगली से उसको तिलक करो, अग्यारी पर उसको भोजन दो, पानी दो, तर्पण करो, ताकि वो रास्ते में जहाँ भी है हमारे द्वारा भावना से दिया गया, श्रद्धा से दिया गया, उसको वहाँ मिले और वहाँ वो भूखा प्यासा न रहे। तो ये सारी जो बातें हैं जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बनाई, 1 साल बाद वो वहाँ पहुँचता है संयमनीपुरी नरक में, और ये सब चीज़ें वहाँ बताई गई।
तो ये बहुत समझने वाली बातें हैं। ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो गरुड़ पुराण की, कभी गरुड़ पुराण की कथा होगी तो अवश्य मैं इसका, 10 दिन की कथा होती है गरुड़ पुराण की, जैसे श्रीमद् भागवत की केवल 7 दिवसीय कथा होती है, गरुड़ पुराण की हम 10 दिन की कथा करते हैं। तो कभी भगवान ने चाहा, ठाकुर जी ने कहा, तो अवश्य ये कथा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि कितना कुछ लिखा हुआ है हमारे श्री गरुड़ पुराण में। इस विषय पर आगे एक श्लोक है, प्रेहि प्रेहि प्रतिभिहि पूर्वेर भिर्यत्रा न पूर्वे पितरह पदेयुः उभा राजाना स्वदया मदंता यमं पश्यासि वर्णम च देवम स गच्छस्व पितृभिः सम यमेनेष्टा पूर्तेन मर्मे व्योमन हित्वाया वध्यम पुनरस्तमेहि सम गच्छस्व तन्वा सुवर्चः। इसका अर्थ है कि इस संस्कार के माध्यम से, या कहो कि ये अंत्येष्टि संस्कार के समय पढ़े जाने वाले वैदिक मंत्रों के प्रभाव से मृतक पुरातन पितरों के सुखद मार्गों से पितृलोक को जाता है और वहाँ वो स्वधा से तृप्त यम और वरुण का दर्शन करता है, वहाँ अपने पितरों से मिलता है और इष्टापूर्त दान आदि कृत्यों के पुण्यों के फलों को प्राप्त करता है, वहाँ वह समस्त मलिनता का त्याग करके दिव्य ज्योति से परिपूर्ण नवीन शरीर धारण करके परम आनंद को प्राप्त करता है। तो हमारे यहाँ मृतक जलाया भी जाता है तो वहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए एक भूदेव होने चाहिए, उसका क्या प्रभाव है यहाँ अभी आपने सुना। तो बहुत 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 हमारे इन संस्कारों की महिमा है, ये संस्कारों से ही हम हिंदू हैं। हमने ये संस्कार छोड़ दिए तो हम हिंदू नहीं हैं, हम फिर आम व्यक्ति हो जाएंगे, पशुओं में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है ये 16 संस्कार जो है उसका भरपूर लाभ उठाइए। आज ये 16 संस्कारों का जो सत्र था, जो 14-15 दिनों से हम चलाते आए हैं, आज ये 16 संस्कारों की सीरीज़, ये सत्र यहाँ पूर्ण होता